वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में जो है सिडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग, जिसके कल की वीडियो में पार्ट टू में हम लोगों ने देखा था बारबिट्यूरेट्स का पूरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब कुछ देखा था कल बारबिट्यूरेट्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप लोग जाके प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का जो थर्ड पार्ट था मेन हमारा बेंजोडाइजेपिन्स, सेकेंड पार्ट था बेंजोडाइजेपिन्स, तो वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेंजोडाइजेपिन्स वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर बी फार्म या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में दिया हुआ है वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे सिडेटिव हिप्नोटिक्स में दूसरा हमारा जो मेन क्लासिफिकेशन का ड्रग है बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में, उसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स सब कुछ देखेंगे केवल आज बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा है सेलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, जो बेंजोडाइजेपिन होता है वो सेलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट है, जिसमें आपका ड्रग आता है क्लोरोप्रोडाइजेपॉक्साइड एंड डाइजीपाम, ये दो ड्रग है। और देखिए यहाँ जो हिस्ट्री के रूप में मैंने लिखा है बेंजोडाइजेपिन का यूज 1960 से किया जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, मोड ऑफ एक्शन की कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो देखिए ये क्या करता है, बाइंड टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ गाबा ए बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। जो ये बेंजोडाइजेपिन होते हैं ये गाबा ए स्पेसिफिक साइट पर, गाबा रिसेप्टर के स्पेसिफिक साइट से बाइंड होते हैं। बाइंड होकर देखिए क्या करते हैं, इनहेंस द रिसेप्टर एफिनिटी फॉर गाबा, जो ये रिसेप्टर की अफिनिटी होती है गाबा के लिए ये अफिनिटी को बढ़ा देते हैं। और देखिए यहाँ इम्पॉर्टेंट जो है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। देखिए ये क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब वहाँ जब हम लोग बारबिट्यूरेट्स पढ़ रहे थे तो वो क्या कर रहा था, प्रोलोंग कर रहा था ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, क्लोराइड चैनल के ओपनिंग के टाइम को बढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ जो है हम बात करेंगे ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्लोराइड चैनल के फ्री ओपनिंग के फ्रीक्वेंसी को, जो बार बार ओपन करेगा ये, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को ना बढ़ा के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है हमारा क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस इंट्रासेलुलर में बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से क्या होता है, जो हमारे न्यूरोनल मेम्ब्रेन होती है उसमें हाइपर पोलराइजेशन होता है, और हाइपर पोलराइजेशन होने के वजह से वहाँ पर जो है नर्व इम्पल्स का जो है ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, उसके नाते होता है सीएनएस डिप्रेशन। तो ये आप फ्लो चार्ट में एग्जाम में लिखेंगे ऐसे बना के तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और एग्जामिनर को समझ में भी आएगा। एज ए डायग्राम मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, देखिए जब यहाँ कोई, ये आपका गाबा रिसेप्टर है, गाबा रिसेप्टर पर ये गाबा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो जब गाबा मॉलिक्यूल केवल प्रेजेंट रहेगा तो जो क्लोराइड का जो है क्लोराइड आयन का एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर ट्रांसमिशन है वो थोड़ा कम कम मात्रा में, कम अमाउंट में, कम कंसंट्रेशन में होगा जब रिसेप्टर प्लस गाबा रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये गाबा की एफिनिटी को बढ़ा रहा है बेंजोडाइजेपिन, तो जब गाबा आके इसके स्पेसिफिक साइट से बाइंड होगा तो क्या करेगा, ये जो है ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्लोराइड आयन को क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर भेजेगा सेल मेम्ब्रेन के, न्यूरोनल मेम्ब्रेन के। तो जब ज़्यादा अमाउंट में क्लोराइड आयन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, क्लोराइड का कंडक्टेंस बढ़ेगा जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और हाइपर पोलराइजेशन होगा न्यूरोनल मेम्ब्रेन का। हाइपर पोलराइजेशन के होने से नर्व का इम्पल्स का ट्रांसमिशन कम होगा, और नर्व ट्रांसमिशन कम होगा तो सीएनएस डिप्रेशन का जगह। तो देखिए जब रिसेप्टर गाबा और बेंजोडाइजेपिन बाइंड होंगे तीन चीज़ें रहेंगी, तो जो क्लोराइड आयन है वो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर आएगा। तो ये आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग, फार्माकोलॉजी का ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्व सिस्टम, तो हम सबसे ज़्यादा जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा वो सीएनएस पे आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ आपका है सीएनएस, तो सीएनएस में देख लेते हैं, जो आपका पहला है रिडक्शन ऑफ एनग्जाइटी, एनग्जाइटी उलझन को कम करना, जो बेंजोडाइजेपिन है उसका यूज किया जाता है उलझन को कम करने में। ये एक्शन कैसे करता है, एक्शन ड्यू टू ऑन लिम्बिक सिस्टम, ये लिम्बिक सिस्टम पे एक्ट करके हमारे जो है एनग्जाइटी या उलझन को कम करता है।
दूसरा आपका है सिडेशन एंड हिप्नोसिस, ये क्या करता है डिक्रीज करता है टाइम टू फॉल एज स्लीप, जो सोने का टाइम है कि आप लेटते हैं जल्दी से नींद आ जाए, तो जब नींद नहीं आती तो उसके ड्यूरेशन को ये कम कर देता है टाइम को कि जल्दी से आपको नींद आ जाए। और तीसरा बात कर लेते हैं एमनेसिया। एमनेसिया देखिए क्या है, एमनेसिया होता है आपका बाय अल्फा वन गाबा ए रिसेप्टर। एमनेसिया होता है कि मेमोरी लॉस, किसी अनप्लीजेंट मेमोरी को जो है, किसी जो भयानक आपकी मेमोरी होती है उसको ये जो है भुलाने का काम करता है, उसको कहते हैं एमनेसिया। तो अब दूसरा मेन आपका बात करते हैं मसल रोलेक्सटेंट पे क्या काम करता है। देखिए ये मसल रोलेक्सटेंट का काम करता है बाई अल्फा टू गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करके। और तीसरा आपका है एंटी कन्वल्सेंट। देखिए जो बेंजोडाइजेपिन है मसल टोन को कम कर देता है, जिससे मसल का मूवमेंट नहीं होता और मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तीसरा आपका है एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट देखिए कैसा करता है, अल्फा टू गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड होके ये जो है सीजर को कम कर देते हैं, जो सीजर आने होते हैं, कन्वल्सन्स आने होते हैं, उनको ये कम कर देते हैं, जिससे झटके नहीं आते। तो एज एंटी कन्वल्सेंट भी यूज किया जाता है बाय इनहिबिटिंग द साइनेप्टिक इनहिबिशन। और ये आपका हो गया पूरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब बात करते हैं जो है फार्माकोकाइनेटिक्स ADME के बारे में, कि इसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो देखिए जो जितने सारे बेंजोडाइजेपिन जो होते हैं वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं जब हम उसको लेते हैं ओरली। देखिए यहाँ कंडीशन है, जब हम ओरली बेंजोडाइजेपिन को लेंगे तभी वो अच्छी तरह से जो है क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन जब हम IM जो है इंट्रामस्कुलर या इंजेक्शन के थ्रू लेंगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन वो स्लो हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं IM स्लो। तो दूसरा आप देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म इन लीवर, मेटाबोलाइज हो जाते हैं लीवर में बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम, जिसमें आपका आता है साइटोक्रोम P450 और साइटोक्रोम P2C119। ये दो आपके माइक्रोसोमल एंजाइम के हेल्प से जो है लीवर में मेटाबोलाइज हो जाते हैं बेंजोडाइजेपिन। अब बात आती है एक्सक्रीशन की, क्रॉसेस प्लेसेंटा एंड एक्सक्रीटेड इन मिल्क। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, जिसमें आपका जो है बेबी होता है न्यूबॉर्न बेबी, उस प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और मिल्क में एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो देखिए जो बेंजोडाइजेपिन हो एक अच्छा और वेल टॉलरेटेड और सेफ ड्रग है, जो है ज़्यादा इसके एडवर्स इफेक्ट नहीं होते। लेकिन कुछ हम देख लेते हैं, जैसे आपका देखते हैं ड्राउजीनेस है, जिसमें आपका होता है कि डरना, कन्फ्यूजन, एमनेसिया जिसको कहते हैं मेमोरी लॉस, लिथार्जी कहने का मतलब आलस, आलसी एकदम आलस सा फील करना, और आपका है हेडेक, सरदर्द, ब्लर्ड विजन, अच्छे से दिखाई ना देना, ब्लरी इफेक्ट, इम्पेयर जजमेंट, किसी चीज़ को अच्छे से परख ना पाना, होता है इम्पेयर जजमेंट। और देखिए बेंजोडाइजेपिन, जब किसी पेशेंट कोई बेंजोडाइजेपिन अगर लिया हुआ है तो उसे ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए। देखिए ड्राइविंग शुड बी अवॉइडेड, जब कोई पेशेंट बेंजोडाइजेपिन ले तो उसको जो है ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। देखिए अगर प्रेगनेंसी में हम बेंजोडाइजेपिन किसी को दे देते हैं तो वो काज करता है हाइपोनिया। हाइपोनिया क्या होता है, वीक मसल टोन, जैसे क्या होता है एज ए न्यू बोर्न बेबी का जब डिलीवरी के समय जब कोई जो है न्यू बोर्न बेबी जन्म लेता है तो उस टाइम पे जो मदर होती है उसमें क्या होता है वीक मसल टोन, उनके जो मसल्स होते हैं वो एकदम फलफी हो जाते हैं, जो मसल टोन है वो रिड्यूस हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और क्या होता है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इन न्यूनेट, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा है, जैसा कि मैं फार्माकोकाइनेटिक्स में बता रहा हूँ। तो जब प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा तो जो न्यूनेट बेबी है या न्यू बोर्न बेबी है तो उसको भी कुछ इफेक्ट दिखाएगा। तो जो न्यूनेट होते हैं उनमें क्या करता है, ये जो न्यू बोर्न बेबी होती है इसमें रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। तो ये हो गया एडवर्स इफेक्ट। अब बात करते हैं यूजेज में। यूजेज में देखिए इंसोमनिया में यूज किया जाता है। इंसोमनिया क्या है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो है व्यक्ति को नींद नहीं आता है, उसको कहते हैं इंसोमनिया। ये होता है आपका एन आइडियल हिप्नोटिक्स के रूप में बेंजोडाइजेपिन को यूज करते हैं। दूसरा आपका इन एनेक्जाइटी स्टेट, एज एंटी एनेक्जाइटी या उलझन को कम करने वाले ड्रग को यूज किया जाता है, जिसमें आपका क्लोनाजेपाम आएगा। एंटी कन्वल्सेंट, कहने का मतलब एंटी कन्वल्सेंट ऐसे ड्रग एंटी एपिलिप्टिक जो सीजर को कम करते हैं, जिसमें आपका डाइजीपाम आ जाएगा। मसल रोलेक्सटेंट मतलब मसल टोन को कम करना, मसल को रिलैक्स कर देना। आपका आता है पचवा है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, जैसा कि मैं प्री एनेस्थेटिक का वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने डिटेल वीडियो उसका नहीं देखा तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है, वहाँ भी मैंने बता रखा है। और पचवा आपका है जनरल एनेस्थीसिया के रूप में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ जो बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन है वो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट दिखाते हैं, जब हम ज़्यादा अमाउंट में बेंजोडाइजेपिन को देंगे तो वो जनरल एनेस्थीसिया का भी काम करेंगे। और आपका लास्ट है इन साइकेट्री,
जो है एज ए एंटी साइकोटिक ड्रग भी यूज किया जाता है, जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होके, जो है हम आगे पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक के बारे में, यूनिट लास्ट के यूनिट में हमारा एंटी साइकोटिक ड्रग है, वहाँ मैं बताऊँगा कि साइकेट्री क्या होता है, एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होती है, जो है मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका पूरा हो गया जो है पूरा बेंजोडाइजापिन के आज के वीडियो में था। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट फोर में जो है लास्ट जो होगा सिडेटिव हिप्नोटिक का लास्ट वीडियो कल आएगा, वो है पार्ट फोर में हम बात करेंगे जो है अदर जो ड्रग थे नॉन बेंजोडाइजापिन और बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट के बारे में, और अदर जो ड्रग है उनके बारे में देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो वो नहीं रहेगा, जो उसका लास्ट थोड़ा हमारा बचा हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।